हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैर 1111। तो आपके पर्सन आपकी दीवानी क्यों है डियर, इसकी रीडिंग है। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आपके पर्सन आपकी दीवानी क्यों है, क्यों आपके दीवाने हैं, आपके पर्सन आपके दीवाने क्यों हैं। तो यहाँ नेपच्यून की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके दीवाने क्यों हैं, वर्गो की एनर्जी है, फिफ्थ हाउस की एनर्जी है। चलिए इसी से पहले चैलेंजेस की एनर्जी है, एलेवेंथ हाउस की एनर्जी है, थर्ड हाउस की एनर्जी है एंड अपॉर्चुनिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है रिवॉल्यूशन का एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपके दीवाने क्यों हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, इसीलिए वो आपके दीवाने हैं। आपके साथ घर फैमिली वाली वाइब्स उन्हें फील होती है, और आपके साथ एक फैमिली वाली वाइब्स डेफिनेटली फील होती है। आप इनसे सोशल मीडिया पे मिले होंगे या सोशल गैदरिंग में मिले होंगे, फ्रेंड सर्कल में मिले होंगे, काम के प्लेस पर मिले होंगे। तो क्यों वो आपके दीवाने हैं, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे तो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस की एनर्जी यही बताती है कि लाइक अ फैमिली, लाइक अ होम, लाइक अ कंफर्ट जोन, तो रेजोविनेट की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपके दीवाने इसीलिए क्योंकि आपके पास उन्हें बहुत कंफर्ट फील होता है, आपके पास वो रेजोविनेट होते हैं, आपके पास वो रिलैक्स फील करते हैं। आपकी जो भी हैबिट्स है, जो भी आपका उनका केयर करना है, वो बहुत ही रिलैक्स, और उन्हें ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द वन, आप मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है, कि आपके साथ वो जीवन को सेलिब्रेट कह सकते हैं या जीवन को वो जीना चाहते हैं, और आपको देखकर उन्हें लगता है कि हाँ, दिस कुड बी द वन, यही द वन है जिसके साथ उन्हें जीना है, जिसके साथ उन्हें रहना है, और जिसके साथ उन्हें इस प्यार का साइकिल को आगे लेके जाना है। मिस एक स्पाउसी मटेरियल, एक होमली वाइब्स आपसे उन्हें डेफिनेटली फील होती है, जिसके वजह से आपके पर्सन आपके दीवाने हैं। रेवोल्यूशन का कार्ड है, तो आपके दीवाने इसीलिए है कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोलूशन है, हर एक चैलेंजेस का सोलूशन है आपके पास। चैलेंजेस है, ब्रेक थ्रू है, जो भी आपकी लाइफ में, यानी कि जो भी आपके पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप जो है एक सही गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करती हैं या करते हैं। बहुत ही आपके भी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत सारे गुजरे होंगे, या फिर इस रिलेशनशिप में भी आपने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, करा है, आपने हिम्मत नहीं तोड़ी है, आपने हिम्मत बना कर आपने इस पर्सन पे बिलीव किया, भरोसा किया, और आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, यानी कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। हमेशा एक न्यू वर्जन में आपके पर्सन ने आपको देखा है, हमेशा आपने कठिनाइयों से कुछ सीखा है, हमेशा चैलेंजेस को डील करने का अलग अलग प्रस्पेक्टिव आपने ढूंढा है, और हमेशा उन चैलेंजेस पर आपने सक्सेस हासिल की है, इसीलिए वो आपके दीवाने हैं। जुपिटर की एनर्जी है, लॉट्स ऑफ विस्डम एंड नॉलेज आपके पास है, एंड आप एक लॉयल पर्सन हैं, आइडियल पर्सन हैं, जिसको सभी अपने पास रखना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि आप जैसा पार्टनर उन्हें मिले, क्योंकि आप एक लकी चार्म भी हैं, आप एक लकी इंसान भी हैं, और बहुत सारे पॉजिटिविटी से भरे हुए पर्सन हैं, एडवेंचरस पर्सन हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वो आप में देखते हैं।
जब एक गुरु की तलाश होती है तो आप गुरु बन जाते हैं, जब एक विल जब चैलेंजेस आते हैं तो एक योद्धा की तलाश होती है, एक सोल्जर्स की तलाश होती है तो आप सोल्जर बन जाते हैं, एक योद्धा बन जाते हैं। जब एक घर की तलाश होती है, केयर की तलाश होती है तो आप मदरली वाइब्स वाली फीलिंग्स फील कराते हैं, मींस कंफर्ट फील कराते हैं, रेजुविनेट करते हैं। जब ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग के, बहुत अच्छे से आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। जब ज़रूरत होती है इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी की, आप वहाँ भी खड़े उतरते हैं। तो जो भी चैलेंजेस हैं, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसके वजह से आपके पर्सन आपके दीवाने हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग ये पर्सन करते ही रहते हैं। किसी का भी सपना है आप जैसा पार्टनर पाने की, इसीलिए वो आपके दीवाने हैं, क्योंकि आप जितना होमली है, जितना इमोशनल है, क्योंकि मून की एनर्जी है, लॉट्स ऑफ इमोशंस आपके हैं और बहुत ही हैवी वे में है, मदरली वाली वाइब्स है, केयरिंग वाली वाइब्स है, उतने ही ज़्यादा आप जो हैं एक लीडर है, लीडर है। कुछ भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आप जो हैं किसी की सर्विस करना हो, क्योंकि वर्गों की भी एनर्जी है, आप एक अच्छे सर्विस पर्सन भी है, चाहे बड़े हो छोटे हो, घर के बड़े बुज़ुर्ग हो, अपने एज के फ्रेंड्स हो, हर एक को सपोर्ट करना, हर एक की केयर करना, हर एक को उसका साथ देना, मुश्किलों में उसका साथ निभाना, मुश्किलों में उसके लिए स्टैंड लेना, ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके दीवाने हैं वो, क्योंकि आप में वो सर्विस वाली क्वालिटी भी है। आप बड़े और छोटे में फ़र्क नहीं करते हैं, हमेशा सबके लिए सपोर्टिव रहें, और ख़ासतौर से इस पर्सन के लिए भी आप बहुत सपोर्टिव रहे हैं, इसीलिए तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फोर्थ हाउस की आई है। लॉट्स ऑफ पैशन एंड डिज़ायर भी वो आपके साथ फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही द पर्सन हो जिनसे उनसे मैरिज करना है, जिनके साथ इस प्यार की गाड़ी को आगे लेके चलना है। बहुत ही रोमांटिक आपको देखते हैं, बहुत ही पैशनेट आपको देखते हैं, बहुत ही क्रिएटिव आपको देखते हैं, अपने बच्चे भी वो आपसे ही चाहते हैं अपने बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और आप जिस दुनिया में आप ही हैं जिसको ये बे इंतहा प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं और आपके दीवाने हैं, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, एंड डेफिनेटली एक फैमिली के लिए जो लेगेसी है वो आप में वो पोटेंशियल भी देखते हैं। एंड 11th हाउस की एनर्जी है लॉट्स ऑफ डिज़ायर पैशन, तो मैंने बोला ही, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ के जैसा आए हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, कोई भी आपको पाने की कोशिश करेगा, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ही है, कोई भी आपको पाने की कोशिश, आपके बहुत सारे सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं, तो आपके पर्सन आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ के जैसा ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे फ्रेंडशिप निभाते हो दूसरे से भी, यानी कि एक अच्छे फ्रेंड भी हो दूसरों के लिए, एक बहुत ही क्रिएटिव है, ह्यूमैनिटी है आप में बहुत ज़्यादा, बहुत ही होपफुल एंड पॉजिटिव पर्सन है, एंड आप जो हैं ग्रुप में भी लोगों को लीड करना बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉमन गोल लेकर लोगों के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपका जो सेंस ऑफ माइंड कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल माइंड कह सकते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव कह सकते हैं, आपकी स्पीच, आपके थॉट्स, या फिर आप जो भी सोशल मीडिया पे डालते हैं या सोशल मीडिया पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये पर्सन एडमायर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके घर वाले तो आपको पसंद करते ही करते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके नेबरहुड और आपके पर्सन तो हैं ही, आपके मतलब आपके इर्द गिर्द लोग रहना पसंद करते हैं, आपकी कंपनी को लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें क्योंकि आप एक अच्छे डिबेट करने वाले पर्सन भी हो, एंड आपकी सराउंडिंग में लोग बहुत ही स्टेबल फील करते हैं, सोशलाइज फील करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास।
क्योंकि आप कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं, कोलैबोरेट करके चलते हैं एंड लोगों को लेके चलते हैं, लोगों को साथ में लेकर लोगों की गोल को अचीव कराने में आप उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप में एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी तो है ही, साथ में आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप कि आपका माइंड तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल या फिर कैलकुलेटिव तो है ही, साथ में आप लोगों को साथ में लेकर चलने वाले एक सोशल बटरफ्लाई भी कह सकते हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं, जिसमें बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है एंड बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि आप हर एक लोगों को डील कर सकते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, हर एक लोगों को डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आते हैं, चैलेंजेस आपके सामने बहुत आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को आप बहुत इजी वे में लीड करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है आप में और उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। दूसरों की सर्विस करना हो या घर वालों की सर्विस करना हो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक पार्टनर के रूप में एक रोमांटिक पार्टनर भी हैं एंड डिजायर से भरे हुए पर्सन हैं और एक अच्छे पेरेंट्स बनने की क्वालिटी है आप में। तो रेस्ट आपके गोद में सर रख कर ये तो सोना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हें मिल गया है, इसीलिए वो आपके दीवाने हैं। तो गाइज ये थी, यहाँ पे जो साइन है वो एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, सारी एनर्जी है क्योंकि मैं आज स्टोर डेक यूज़ की हूँ। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है गाइज तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।